ओके, तो मैं अभी चिंतामणि भैया जी के साथ हूँ यहाँ पे। और ये है तो प्लेटिना, यही प्लेटिना है जो भाई हैंडल लॉक खुलेगा। हाँ भैया, हाँ भाइयों, ये प्लेटिना है जो नेपाल वेपाल फतेह करके आई है और बहुत सारी जगहों में जाना है। तो अभिनव भाई, बाइक बहुत प्यारी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे जगह घुमाएगी आपको। थैंक यू भैया। और भाई लोग, अगर आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्यार दीजिए भाई को। भाई बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो बड़े को प्रणाम, छोटे को और अपनी उम्र वाले को। क्या हाल चाल है मेरे भाई? तो अभी फिलहाल मैं हूँ रांची में और ये वही जगह है जहाँ पर मैं अपनी बाइक को पार्क करता हूँ। पीछे यहाँ पे मंदिर है। तो आज व्लॉग करने का मकसद मेरा यही है कि चिंतामणि जयपुरी जी, वो एक बहुत बड़े हस्ती है मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में, और वो इस वक्त रांची से 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं और रांची होकर के वो भूटान जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कल रात को मैसेज करके सजेस्ट किया था कि आप भूटान जा रहे हो तो आप साहेबगंज होकर जाओ मेरे घर से, तो आपको रिवर क्रॉस होकर के आप उस साइड मानिकचक निकल जाओगे तो वहाँ से आपको शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भागलपुर ब्रिज होते हुए जाते हो नौगछिया होते हुए तो आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, रांची पहुँच करके आपसे बात करते। तो इसी सिलसिले में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम रिंग रोड तरफ। तो अभी रात के 12:16 हो रहे हैं और अभी फिलहाल मैं अपने रूम पे हूँ। हुआ ये कि जब मैं चिंतामणि जयपुरी जी से मिलने के लिए रिंग रोड गया हुआ था रांची रिंग रोड, तो वहाँ पे 3 घंटा मैंने वेट किया उनका, लेकिन मतलब अंधेरा काफी हो गया था और एरिया सुनसान था, जिसके कारण हम वापस आ गए अपने रूम। और रूम आकर के हमें मालूम चला, चिंतामणि भैया का स्टेटस हमने देखा जब, तो हमें मालूम चला कि वो अभी अभी रांची एंटर की है। मतलब मैं रूम पहुंचा हूँ और आधा एक घंटा के बाद वो रांची एंटर की है, जिसके कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया और फिर मेरी उनसे बात हुई और बाद में जाके ये निकला है कि सुबह 6 बजे हम उनसे मिलने जा रहे हैं। वो होटल में रुके हुए और जो होटल में वो रुके हुए वो मेरे रूम से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। मतलब चिंतामणि भैया अभी 500 मीटर की दूरी पे है मेरे से, लेकिन सुबह 6 बजे मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और मिलने जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे नहीं, और इतने रात को कुछ तो है भी नहीं ले जाने के लिए, तो देखिए मैं क्या लेके जा रहा हूँ उनके लिए। तो ये है ठेकुआ, अगर आप लोग बिहार से हो तो आप इसके बारे में जानते हो, ये ज़्यादातर छठ पूजा में यूज़ होता है। तो कुछ ठेकुआ मैंने पैक कर दिया उनके लिए, होप्स हो कि उनको पसंद आएगा खा करके। और थोड़ा नीमकी वो भी मैं इसमें डालूंगा ताकि सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाए, या फिर रास्ते में कहीं भी अगर वो रुकते हैं तो थोड़ा इसे खा करके हल्का स्नैक्स टाइप का। तो होप्स हो कि उनको ये पसंद आएगा। तो फिलहाल अभी मोबाइल को चार्ज में लगा करके सोते हैं क्योंकि सुबह 6 बजे उनसे मिलने जाना है। और चलिए अब मिलते हैं आपको सुबह 6 बजे चिंतामणि भैया के साथ। तो देवी और सजनों, सुबह के 5:51 हुए और अभी मैं होटल के नीचे खड़ा हूँ जिस होटल में चिंतामणि जयपुरी जी रुके हुए हैं। अंदर में उनकी बाइक पार्क्ड है, यहाँ से मुझे दिख रही, और मेरी बाइक यहाँ पर पार्क्ड है। तो बस अब यहाँ पे खड़े होकर के उनके इंतजार करते हैं वो कब अपने रूम से निकल के नीचे आते हैं और फिर निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि इसके बाद, इस कट के बाद आपको मैं सीधा मिलाऊंगा चिंतामणि जयपुरी जी से। और ये बाइक भाई साहब, ये बाइक को अगर आप पहचानते हो, अगर आप चिंतामणि जयपुरी जी को फॉलो कर रहे हो, तो आप इस बाइक को एक नज़र में देख करके पहचान गए होंगे कि ये बाइक किसी और की नहीं, हमारे चिंतामणि जयपुरी जी की है। ओके, तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो समय आ गया है जब चिंतामणि भैया से हम मिलने जा रहे हैं। तो पीछे जो मेरे देख रही है सत्या भैया है, ये भी उनके साथ भूटान राइड पे है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही देख लीजिए अभी, क्योंकि रेडी नहीं है ये लोग, जब ये लोग रेडी हो जाते तो एक बढ़िया से आप लोगों से मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो फाइनली मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जिनको देख करके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, जिनको देख करके मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू किया है, मेरे गुरु और मेरे इंस्पिरेशन चिंतामणि भैया। थैंक यू वेरी मच अभिनव इतनी तारीफ करने के लिए। और रियल चिंतामणि आपको दिखाई देगा क्योंकि अभी तुरंत मैं नहा के आया, तुरंत मैं उठ के आया हूँ, नहाया भी नहीं हूँ। तो भैया को इस तरह से पकड़ लिया है भाई ने अभी। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। चिंतामणि भैया से अभी मैं मिला और मिलने के बाद वो अभी गए अपने रूम में रेडी होने के लिए।
उन्होंने मुझे बोला था 6 बजे आने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी थकावट हो गई थी उनको कल की राइड में, इनके कारण काफ़ी लेट्स होके उठे वो। और फिलहाल अभी नीचे इंतज़ार हम उनका करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में वो रेडी होकर के नीचे आएंगे और फिर अपने इस बाइक से वो निकल जाएंगे भागलपुर होते हुए। पहले तो मैंने उन्हें बोला था कि मेरे घर साहिबगंज से जाने के लिए, लेकिन फिलहाल 20 को इलेक्शन है मेरे घर साहिबगंज में, जिसके कारण अभी सारा कुछ स्ट्राइक पे है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप भागलपुर होकर के निकल जाओ, या तो आप भागलपुर में स्टॉप लो या फिर पूर्णिया में, क्योंकि जो रूट है भागलपुर का वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो जैसा है हम उन्हें सजेस्ट कर दिए और अभी रेडी होकर के आएंगे तो थोड़ा ब्रीफ कर देंगे उनको रूट के बारे में, और उसके बाद जब निकल जाएंगे तो फिर शायद ओरमांझी तक मैं जाऊँगा उनके साथ। तो दिखी देखते हैं, चलिए आगे बात करते हैं चल करके। तो फिलहाल चिंतामणि भैया ने मुझे अपने रूम में बुलाया है, तो उनका रूम 310 है या फिर 311 है, और जा करके उनको देते हैं जो मैंने उनके लिए लाया है, ठेकुआ और नमकीन, और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल मैं चिंतामणि भैया के रूम में हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे रूम के अंदर इन्वाइट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ रूम है चिंतामणि भैया का। तो मैंने उनके लिए जो ठेकुआ और निमकी लाया था वो मैं उन्हें दूंगा अभी, और देने के बाद फिर वो रेडी होकर के निकलेंगे, फिर उनके साथ मैं ओरमांझी तक जाऊंगा। तो ये जो बैग आप देख रहे हो, ये बैग किसी और का नहीं, चिंतामणि भैया का है। बहुत जिद करके उनसे छीना है मैंने ये बैग, और नीचे लेके जा रहा हूँ उनके बाइक पे। तो भैया ऐसा मत समझना कि चिंतामणि भैया मुझसे कुछ करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जिद करके ये बैग लिया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना एग्जैक्ट वेट एक असली मोटर ब्लॉगर कैरी करता है, क्योंकि मैं तो असली मोटर ब्लॉगर भी बना नहीं हूँ, बने हैं तो चिंतामणि भैया। और उनसे मिलने का मौका मिला तो थोड़ा एक्सपीरियंस उनका जान, बैठ करके रूम में अकेले में आधा घंटा करीब बात किया हमने। चलते हैं और बैग को माउंट करने में मदद करते हैं उनकी। तो ये रही चिंतामणि भैया की बाइक, और उधर वो रही मेरी प्लैटिना। तो चलिए माउंट करने के बाद, तो माउंट करने के बाद जाते हैं भैया को ओरमांझी तक ड्रॉप करते हैं। फिर मुझे कॉलेज भी जाना है क्योंकि 11:30 बजे से मेरा कॉलेज है और काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। पैकिंग करते करते तक बहुत सारे भाई लोग भी इकट्ठा हो, और मैं कोई अपडेट नहीं डाला था कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, लेकिन रांची के भाई लोग बड़े होशियार हैं, कैसे कैसे ढूंढ लिया। राइड सेफ, बढ़िया से भूटान जाइएगा, और अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग के लिए वहां से लेकर के आइएगा। हैप्पी जर्नी भैया, लव यू। और झारखंड से सभी लोगों को जोहार, जय जोहार, लव यू चिंतामणि भाई, थैंक यू। अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं राइड, और अभी बच चुके हैं, टाइम कौन बताएंगे, 10:04, 10:04 हो रहे हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। लगता है भागलपुर तक आज भागलपुर में स्टॉप होगा। एक बार और रांची वाले भाइयों एनर्जी दिखा दो। तो फाइनली वी आर गुड टू गो, चिंतामणि भैया रेडी है अपने बाइक पे, और अब हम जा रहे हैं इनको ओरमांझी तक ड्रॉप करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं अपने रूम चला जाऊंगा। कॉलेज तो मिस हो ही गया मेरा, कोई बात नहीं, बट इतना चलता है भैया के लिए। तो चिंतामणि भैया मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे, चलो चलते हैं ओरमांझी तक और मिलते हैं अब आगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि चिंतामणि भैया को पैसा भी निकालना है एटीएम से, तो उनको एटीएम तक गाइड भी करना है मुझे, और ओरमांझी तक का रूट भी मुझे उन्हें वहां तक गाइड करना है। तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं मुराबादी वाले रोड पर, और इधर से हम लोग बरियातू होते हुए जा रहे हैं खेलगांव, और खेलगांव से हम लोग लेफ्ट लेकर के ओरमांझी निकल जाएंगे। और चिंतामणि भैया मेरे आगे आगे जा रहे हैं, और उससे आगे और लीजिए स्वागत कर दिया है ट्रैफिक ने हमारा, क्योंकि ये चौक चौराहा पे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है। कि मुसाफिर भैया हमको अपना गोप्रो दिखा रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने हेलमेट लगा के रखा था, और जैसे ही मुझे हैंडल दिखाने के लिए उन्होंने अपना हैंडल को घुमाया, इनका हेलमेट गिर गया और गोप्रो जो है यहाँ से वो एमसील उखड़ गया। तो मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है इस चीज़ का। कोई
डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, रोड पे ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती। तो बस ऐसा ही जज्बा रखिए आप लोग भी और ऐसे ही राइड करते रहिए, सेफ से राइड करिए, हमेशा एक अच्छा हेलमेट पहनिए। और यहाँ से ये लोग चले जाएंगे जो भाई हम लोग हमें छोड़ने आए थे यहाँ तक, और यहाँ से मैं चिंतामणि भैया के साथ और मान जी तक जाऊंगा और फिर उसके बाद वहाँ से मैं फिर अपने रूम चला जाऊंगा। अच्छा से मुलाकात हो गई, अच्छा लगा भाई मिलके, कंटिन्यू करना ना, रुकना मत। ठीक है भैया, पानी हमारे अभिनव भर दिया है। तो भैया बोल रहे कि पानी मैंने भर के दिया इन्हें, बस वही बात है, आपको शायद आवाज नहीं आ रही है इसीलिए। रस्ते भर भाई का भरा हुआ पानी, तो मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा, भाई भरा है। बढ़िया से जाइएगा, चलो हैप्पी ड्राइव, बढ़िया से। आपसे तो भैया पता नहीं कितने बार हाथ मिलाएंगे, अच्छे से जाइएगा भैया। तो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय, लेकिन आगे से टर्न है तो थोड़ा आगे से टर्न लेंगे हम लोग, यहाँ से तो टर्न है नहीं, तो वहाँ आगे से मुझे टर्निंग दिखाई दे रही है, तो कुछ आगे से मैं टर्निंग लूंगा। और चिंतामणि भैया ने अपने ब्लॉग में मुझे रिकॉर्ड किया और उन्होंने बोला है कि ये भाई प्रक्रिया से 100+ ड्राइव कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। तो वीडियो में विंड ब्लास्ट आने का रीज़न मुझे मालूम चल गया, क्यों विंड ब्लास्ट आ रही है, क्योंकि मैंने सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ कर रखा था, जिसमें कि फ़ोन के माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, ना कि मेरे हेलमेट के अंदर जो माइक फिट है, इसी कारण थोड़ा वीडियो चॉपी हो गया। तो जो बात वीडियो में नहीं सुनाई थी आप लोगों को, वो बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो बात यह है कि चिंतामणि भैया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समय बिताया हमने साथ में, करीब 1 घंटा मैं उनके रूम में था उनके साथ अकेले, उनसे बहुत सारी बातचीत की, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, राइडिंग के बारे में, यूट्यूब दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और समझने को मिला, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अनजान था उन चीज़ों से। और भैया चले गए और मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो एक इंटरनेशनल राइड नहीं है, मैं कहीं इंटरनेशनल जा रहा हूँ ट्रेन से, तो वो अभी आपको बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। होप्स हो कि इस साल के एंड तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी 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 ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जगह पे मैं जा रहा हूँ, जो कि हमारे कंट्री का रिलेशन सही नहीं है उस कंट्री के साथ, लेकिन उस कंट्री में मैं जा रहा हूँ, तो उसका व्लॉग भी एंड तक आ जाएगा इस ईयर के एंड तक। और चलते हैं अब रूम की तरफ, बस भैया जा रहे हैं अब, पता नहीं कब फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी, कौन जाने, लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा लगा भैया से मिल करके, और अभी तक तो आप लोगों को पता चली गया होगा कितने अच्छे हैं, कितने नेक दिल इंसान है ये, और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो भैया के वीडियो पे, भैया के चैनल पे, और मेरे चैनल पे भी अगर आपको पसंद आया आएगा मेरा कंटेंट और मेरा ब्लॉग, तो इसलिए इसी बात के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और भैया को एक बार बाय बाय कर दे,